नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू स्फेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास 50 के जी आर प्लेसड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर इक्वल चार्जेस आर प्लेज ऑन बोथ द बॉडीज एंड इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कोलम्बिक रिपल्शन इक्वल द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड सवाल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेज ऑन ईच बॉडी नाउ इस सवाल को यहाँ पर देखेंगे तो स्नैरियो ये है कि ये आपकी एक बॉडी है जिसका वजन है फिफ्टी के जी दूसरी यहाँ पर एक बॉडी है जिसका वजन है फिफ्टी के जी और इनको हमने रखा हुआ ट्वेंटी सेंटीमीटर की दूरी पे इस केस में हम ये कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन है तो सॉरी रिपल्शन है इसका चार्ज लेट से क्यू वन है इसका चार्ज भी क्यू वन है तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन है वो बराबर है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है अगेन यहाँ पे एजम्पन ही है एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे एजम्पन ये कि 50 किलो 50 किलो की बॉडी है दे हैव टू हैव अ पॉइंट अगर कोलम लॉ आपका तब एप्लीकेबल होता है जब दो बॉडीज़ के बीच में सेपरेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर और सेपरेशन इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू देयर और इंडिविजुअल डायमेंशन तो अगर पचास किलो की बॉडी इतनी बढ़ी उतनी बढ़ी है तो आपका कोलम लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन अलेवन ट्वेल्थ की हम बात करें

एम वन एम टू आर डिवाइडेड बाई के इसका अंडर रूट ले लेंगे ले तो आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे एम वन एम टू अपने को दिए हुए हैं कि जी और के की वैल्यू अपने को पता है बस कैलकुलेशन करना है राी विच एम्प्लाइज क्यू दिस विल बी कॉल्ड रूट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाय मास इज फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टी डिवाइडिड बाय के विच इज़ नाइन इं टू टेन टू द पावर नाइन अलटिस को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने जो क्यू की वैल्यू आ जाती है दैट विल बी इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस नाइन कुलम सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर